नमस्कार, आप हैं आईबीएन 7 के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जो कि मुंबई से सटे ठाणे से आ रही है। नौपाड़ा इलाके में 3 मंजिला इमारत गिर चुकी है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग अब तक बाहर निकाले गए हैं। मलबे के अंदर अब भी 10 लोगों के फंसे होने की आशंका है। इमारत में 6 परिवार रहते हैं। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। कृष्णा निवास की नाम की ये इमारत करीब 2:45 पर ढह गई। बताया जा रहा है कि इमारत करीब 50 साल पुरानी थी। ठाणे नगर पालिका ने जर्जर इमारत को खाली करने का नोटिस भी दिया था। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी निशात शमसी का। निशात, क्या खबर आपके पास? बिल्कुल, जैसे देखिए अभी भी युद्ध स्तर पर ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर कर रही है। कुल 9 लोगों निकाला गया है, जिसमें से 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 5 लोगों को थाने के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहा यह जा रहा है कि 6 से 7 लोग और इस इमारत के मलबे में फंसे हो सकते हैं, जिनको निकालने के लिए पूरी कोशिश जो है एनडीआरएफ और फायर फाइटिंग की जो टीम है वो वहां पर कर रही है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि तकरीबन 3 महीने पहले इस इमारत को नोटिस दिया गया था, बावजूद इसको खाली कराने की जहमत थाने प्रशासन ने नहीं उठाई, और जिसके नतीजतन ये अब बड़ा हादसा सामने आया है। तो देखिए, कल देर रात ये घटना हुई है, तकरीबन 2:45 ये रात में, जब लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी अचानक ये पूरी इमारत भरभरा के नीचे ढह गई। पूरी की पूरी जो इमारत है जमींदोज हो गई थी। 3 माले की बिल्डिंग है जो 50 साल पुरानी कही जा रही है, और इसको खाली करने के लिए थाने प्रशासन ने पहले ही नोटिस दे रखा था, लेकिन इसको खाली कराने की कोशिश नहीं की, जिसके नतीजतन ये पूरा हादसा सामने आया है। अब जो टीम है वहां पर जो रेस्क्यू के लिए पहुंची है, वो कोशिश कर रही है कि जितनी जल्दी हो सके जो बाकी बच्चे अंदर फंसे लोग हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जा सके। निशात, क्या जानकारी मिल रही है, मलबे में अभी और कितने लोग फंसे हो सकते हैं, और इस वक्त क्या चुनौती है यहाँ पे राहत और बचाव कार्य की टीम के आगे? बिल्कुल, अनुमान लगा रहा है कि 6 से 7 लोग और अंदर फंसे हो सकते हैं। हालांकि सही आंकड़ा अभी भी प्रशासन के पास नहीं है, क्योंकि जो लोग अंदर इमारत में थे उनमें से ज्यादातर लोगों को निकाला गया है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 लोग काफी घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। ऐसे में उनको सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो अनुमान है प्रशासन का वो ये कि 6 से 7 और लोग अंदर फंसे हो सकते हैं और उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। देखिए, एक बड़े स्तर पर ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो फायर फाइट जो टीम है वहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम एनडीआरएफ की मदद से कर रही है। तकरीबन 7 से 8 गाड़ियां लगाई गई हैं जेसीबी मशीनों के साथ साथ, ताकि जितनी जल्दी हो सके इस पूरी इमारत में जो मलबा है उसको हटाकर बाकी बचे लोगों को बाहर निकाला जा सके। देखिए, कल देर रात से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तकरीबन 4 से 5 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब भी लोग अंदर फंसे हुए हैं और उनकी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके इन सबको सकुशल वापस निकाला जा सके। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका काफी आक्रोश है प्रशासन को लेकर, क्योंकि इमारत काफी पुरानी हो चुकी थी, जर्जर थी, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, और यही वजह है कि इस तरह से एक इमारत जमींदोज हो गई और खुद जो उसमें रहने वाले लोग हैं वो उनके लिए कब्रगाह बन गई है। जाहिर तौर पे निशात, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच सुनते हैं कि वहां पर मौजूद लोगों का क्या कहना है। ये बिल्डिंग का नाम है श्रीकृष्ण निवास। ये बिल्डिंग कम से कम 55 से 60 साल पुरानी है, और यहाँ पे चार जन मृत हो गए हैं। 7 जन का ट्रीटमेंट सिविल हॉस्पिटल में चालू है, और 5 से 6 जन इमारत के नीचे दबे हुए हैं। G+3 स्टोरी की बिल्डिंग थी। बिल्डिंग गिरने की वजह तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन G+3 स्टोरी की बिल्डिंग थी। अब तक कुल 10 लोगों को निकाला गया है, जिसमें से 6 लोग जिंदा कंफर्म निकाले गए हैं अभी तक हमारे द्वारा, और 4 लोग जो अनकॉन्शियस स्टेट में थे उनका स्टेटस आपको हॉस्पिटल से पता चल जाएगा। ऑपरेशन हमने लगभग जब 4:10 पर पहुंचे तब से ऑपरेशन शुरू किया है, तब से अब तक मैंने बताया आपको 10 लोगों को निकाला है, और ऑपरेशन अब तक तो हम बता नहीं सकते टाइम, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो हर आदमी फंसा हुआ है डेब्रिज के नीचे, ये मान के चल रही है कि वो जिंदा है। और आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी निशात शमसी का। निशात, सीधे जिम्मेदारी किसकी और कमी कहां पर, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है ठाणे में जहां पे इस तरह से इमारत ढह गई हो। ठाकुरली इलाके में कुछ ही रोज पहले इसी तरह की वारदात सामने आई थी। बिल्कुल, देखिए जैसे दोनों ही इमारतें जो हादसे हुए हैं उसमें समानताएं हैं, दोनों इमारतों को पहले नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन ने इसको खाली कराने की जहमत नहीं उठाई। देखिए, एनडीआरएफ टीम जो खुद अधिकारी वहां पर मौजूद है उनका भी साफ कहना है कि जो जानकारी है उनको काफी देर से मिली, तकरीबन 4 बजे टीम वहां पहुंची है, 3 बजे का हादसा है और उसके बाद से ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए, देर रात चूंकि अंधेरा था इसलिए ये ऑपरेशन बड़े स्तर पर नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब चूंकि रोशनी हो गई है तो जितनी जल्दी हो सके कोशिश की जा रही है कि
लोगों को बाहर निकाला जा सके। खुद एनडीआरएफ के अधिकारी मानते हैं कि जब तक लोग निकाले नहीं जाते हैं उनको जिंदा ही मानती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है कहीं ना कहीं उनके सकुशल होने की जो उम्मीदें भी है वो कम होती नजर आ रही है। लेकिन जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं जिस इलाके में ये हादसा हुआ है, उनका सीधे तौर पर ये आरोप थाने प्रशासन पर है कि वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर, और यही वजह है कि इतना बड़ा हादसा सामने आया। जिस इलाके में ये हादसा हुआ है तो वहाँ उस इलाके के आसपास तकरीबन 150 ऐसी इमारतें हैं जो काफी जर्जर और पुरानी हो चुकी हैं और जिनको प्रशासन को पहले ही खाली करार देना चाहिए था, लेकिन अब तक उन इमारतों में लोग रहते हैं और कहीं ना कहीं इसी तरह के हादसे के इंतजार में है। शायद प्रशासन, यही वजह है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन अब जब ये हादसा दूसरा हादसा महज हफ्ते भर में सामने आया है तो जाहिर तौर पर आप प्रशासन में भी सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि जितनी जल्दी हो सके ऐसी इमारतों से बाहर आए। शुक्रिया निशा जानकारी के लिए आपका। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में महिला सुरक्षा पर बहस के दौरान सोमनाथ ने कहा कि अगर दिल्ली पूरी तरह से आम आदमी पार्टी सरकार के कब्जे में आ जाए तो सुंदर महिलाएं गहने पहनकर रात के 12 बजे सड़कों पर बेरोक टोक घूम सकेंगी, उन्हें किसी तरह का खौफ नहीं रहेगा। बयान पर बवाल मचने के बाद सोमनाथ भारती ने फेसबुक पर सफाई दी। उन्होंने मीडिया पर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। IPL की फंडिंग के मामले में पूर्व चेयरमैन ललित मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने पर आज अदालत फैसला ले सकती है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने स्पेशल कोर्ट से ललित मोदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की है। ललित मोदी के खिलाफ ED ने फेमा और PMLA के मामले दर्ज किए हैं। रिजर्व बैंक आज 11 बजे क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान करेगा। इस बार क्रेडिट पॉलिसी में ब्याज दरों में कटौती की कोई उम्मीद नहीं है। HSBC इंडिया की चेयरपर्सन और फिक्की की पूर्व प्रेसिडेंट नैनालाल किदवई ने कहा है कि रिजर्व बैंक साल के अंत तक दरों में 0.5% तक की कटौती कर सकता है। ऐसे में 4.5% की कटौती अभी कर देनी चाहिए। बैंकर्स ही नहीं, दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेज को भी लगता है कि दरें घटने वाली नहीं है। HSBC, बैंक ऑफ अमेरिका, डॉयस, IIFL सभी का मानना है कि दरों में कोई कटौती नहीं होगी। केंद्र की मोदी सरकार ने दशकों से उग्रवाद, हिंसा और अस्थिरता से जूझ रहे नागालैंड के अलगाववादी संगठन NSCN IM के साथ सोमवार शाम ऐतिहासिक शांति समझौता कर लिया है। NSCN IM के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री परिक्कर, BJP अध्यक्ष अमित शाह और NSA अजीत डोभाल की मौजूदगी में PM निवास पर हुए एक खास कार्यक्रम में ये समझौता किया। इससे पहले PM मोदी ने सोमवार शाम 6:15 बजे ट्वीट करके कहा था कि आज 6:30 बजे रेस कोर्स रोड पर हम एक ऐसी घटना के गवाह बनेंगे जो महत्वपूर्ण होने के साथ साथ मील का पत्थर भी साबित होगी। समझौते के बाद PM मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट उनके दिल में बसता है और वो उसके लिए हमेशा काम करते रहेंगे। इस समझौते के साथ करीब एक दशक बाद नगा लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की नए सिरे से कोशिश हुई है। नागालैंड समस्या की शुरुआत हुई थी 1918 में नगा क्लब की स्थापना के साथ। नगा क्लब ने साइमन कमीशन से मांग की थी कि भारत के संवैधानिक ढांचे से नागालैंड को अलग रखा जाए। फिर नगा नेता फिजो ने 14 अगस्त 1947 को नागालैंड को आजाद घोषित कर दिया। अब यानी नगा क्लब की स्थापना से लगभग एक शताब्दी पूरी होने से ठीक पहले इस समझौते से नगा लोगों को देश की मुख्य धारा से जुड़ने का रास्ता साफ हो गया है। NSCN IM नेता थ्यूंग लैंग मुइवा ने इस सफलता का श्रेय दो पूर्व प्रधानमंत्रियों नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। शांति समझौते के बाद PM मोदी ने कहा है कि समझौते में इसीलिए बरसों लग गए क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं सके। वहीं NSCN IM नेता थुइवा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जैसे विजनरी PM की वजह से ही ये संभव हो पाया है। नागालैंड में उग्रवादी संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के नेता तुइंगा लेम मुइवा ने समझौते पर खुशी जताते हुए कहा है कि इससे नागालैंड के लोगों का भला होगा। माना जा रहा है कि ये समझौता पूर्वोत्तर में शांति कायम करने में मदद करेगा। NSCN IM यानी कि मुइवा ग्रुप खापलांग ग्रुप का धुर विरोधी है जिसने भारतीय सैनिकों को मारा था। NSCN IM के ज्यादातर कैंप दीमापुर के करीब है। इसमें करीब 3,500 उग्रवादी है और इनका असर नागालैंड के अलावा अरुणाचल के तिराप, चांगलांग और मणिपुर के सेनापति उरखुल और चंदेल इलाकों पर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SNCN IM से समझौता होने के बाद तमाम दलों के नेताओं से इस बारे में बात भी की। PMO ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। PMO के मुताबिक प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, पूर्व PM मनमोहन सिंह, सीताराम येचुरी और मायावती समेत कई और नेताओं से भी बात की। वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसके लिए PM को धन्यवाद दिया।
आज सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। इस बैठक में लोकसभा से 5 दिन के लिए निलंबित किए गए कांग्रेस सांसदों पर विचार विमर्श होगा। दरअसल स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस के 25 सांसदों को 5 दिन के लिए निलंबित कर दिया था। उन्हें सदन में पोस्टर लहराने, काली पट्टी पहनने और कार्यवाही में बाधा पहुंचाने की वजह से निलंबित किया गया। निलंबित होने वाले सांसदों में अखिल गोगोई, दीपेंद्र हुड्डा, संतोष सिंह चौधरी, अबू हसन, सुष्मिता देव, एम के राघवन, राजीव शंकर यादव, रवनीत सिंह, केसी वेणुगोपाल शामिल हैं। लोकसभा स्पीकर ने अपनी कार्रवाई को सही बताते हुए कहा कि उनके पास सांसदों को सस्पेंड करने के अलावा कोई और चारा नहीं रह गया था। उन्होंने इस कार्रवाई को सख्त बताया, लेकिन ये भी कहा कि उनके पास इसके सिवा कोई विकल्प नहीं रह गया था। उन्होंने कहा कि वो पिछले 8 दिनों से कोशिश कर रही थी कि सदन चले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसके बाद उन्होंने ये सख्त कदम उठाया। कांग्रेस के आधे से ज्यादा सांसदों के निलंबन को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसदीय इतिहास का काला दिन बताया, तो लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि स्पीकर की कार्रवाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ है और लोकतंत्र के लिए काला दिन है। कांग्रेस समेत कम से कम 8 विपक्षी दलों ने सांसदों के निलंबन पर कहा कि वो इस कार्रवाई के विरोध में संसद का बहिष्कार करेंगे, तो गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सरकार का रवैया तानाशाही है, ये सरकार खुद को राजा और विपक्ष को गुलाम समझती है। एनसीपी ने भी इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस सांसदों के निलंबन को तानाशाही करार दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी और टीएमसी ने सांसदों के निलंबन को गलत बताते हुए कांग्रेस के साथ खड़े होने की बात कही। कांग्रेस के समर्थन में दोनों दल अगले 5 दिन तक संसद की कार्यवाही का बहिष्कार करेंगे। संसद में गतिरोध खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे। सोमवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक भी बेनतीजा खत्म हुई। कांग्रेस और लेफ्ट सुषमा, वसुंधरा और शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे पर अड़ी है। उम्मीद है कि सर्वदलीय बैठक में कुछ रास्ता निकल आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस और लेफ्ट पहले इस्तीफा फिर संसद की कार्यवाही पर अड़े रहे। वैसे सर्वदलीय बैठक में क्या होगा, इसका अंदाजा कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी के रुख से ही साफ हो गया था। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एनडीए के मंत्रियों पर लग रहे आरोपों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। सोनिया ने कहा कि पीएम वादे तो करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो वादे पूरे करने में सक्षम नहीं है। सोनिया के मुताबिक जब भी साथियों पर आरोप लगता है तो मन की बात करने वाले पीएम मौन व्रत धारण कर लेते हैं। संसद में बहुमत किसी को जवाबदेही से भागने का लाइसेंस नहीं देता। साथ ही सोनिया ने आरोपी मंत्रियों के इस्तीफे की मांग भी की। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हमारी राय साफ है, जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है हम इस्तीफा चाहते हैं। दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए जांच आयोग बनेगा। केजरीवाल सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र में प्रस्ताव पास करा लिया है। सदन में चर्चा के बाद न्यायिक जांच आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें कहा गया था कि 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता रिटायर्ड जज करेंगे। इससे पहले महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान बीजेपी विधायकों की सत्ता पक्ष से खूब नोकझोंक हुई। इसके बाद बीजेपी के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। दिल्ली में मीनाक्षी की हत्या के बाद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते हुए विशेष सत्र बुलाया था। वहीं बीजेपी ने लोकायुक्त की नियुक्ति न होने का सवाल उठाया। महिला सुरक्षा पर जांच आयोग के गठन पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार को जांच आयोग के गठन का अधिकार ही नहीं है। जैन के मुताबिक आयोग का गठन करना पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है। जैन के मुताबिक इस मामले में उपराज्यपाल ने उनसे सलाह मांगी थी कि क्या राज्य सरकार इस तरह के आयोग का गठन कर सकती है। जैन के मुताबिक चूंकि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के तहत नहीं आती, लिहाजा पुलिस की जांच पर कमीशन बिठाने का सरकार को कोई हक नहीं है। संविधान के आर्टिकल 239 AA और संविधान और पब्लिक नोटिफिकेशन में दिल्ली सरकार को यह अधिकार नहीं दिया गया है। पाकिस्तान में असली मुन्नी 13 साल से फंसी है। इसका नाम गीता है और बजरंगी भाईजान की मुन्नी की तरह ये भी नहीं बोल पाती है। 13 साल पहले गीता लाहौर स्टेशन पर मिली थी। पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता अंसार बर्नी ने ट्वीट कर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से अपील की थी। हरकत में आते हुए सुषमा स्वराज ने गीता को उसके परिवार से मिलाने की कवायद शुरू कर दी है। उन्होंने पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर डॉक्टर TCA राघवन से कराची जाकर गीता से मिलने के लिए कहा है। बर्नी 21 साल की भारतीय लड़की को पिछले 3 साल से उसके परिवार से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। गीता के परिवार का पता लगाने के लिए बर्नी उसकी तस्वीरों के साथ 2012 में भारत भी आए थे। 3 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए टीम इंडिया श्रीलंका पहुंच गई है। विराट कोहली की अगुवाई में भारतीय टीम 12 अगस्त को पहला टेस्ट मैच गोल में खेलेगी। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग बढ़ती जा रही है। इस आग को बुझाने के लिए 9,000 से ज्यादा दमकल कर्मी लगे हुए हैं। बता दें कि इसी आग की वजह से एक फायर फाइटर की भी मौत हो चुकी है।
आज है मेलोडी किंग किशोर कुमार का जन्मदिन। जन्मदिन के मौके पर उनका परिवार उन्हें खास तरीके से याद करेगा। किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार और अमित कुमार के बेटी मुक्तिका गांगुली किशोर कुमार के लिए खास एल्बम लेकर आ रही हैं। एल्बम का नाम है बाबा मेरे। फिल्म बाहुबली ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिल्म ने 4 हफ्ते में 340 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। सबसे ज्यादा कमाई के मामले में बाहुबली ने आमिर खान की पीके को पछाड़ दिया है। बाहुबली के हिंदी संस्करण ने 103 करोड़ रुपए कमाए।